हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग के 200 क्वेश्चन की सीरीज का ये पार्ट टू है। पार्ट वन इससे पहले जो अपलोड किया था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आकृति वाले 10 ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन जो कि पिछले कई वर्षों से रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप वीडियोज़ के टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं। करंट अफेयर का टाइमिंग है 7:00, रीजनिंग का है 3:00, मैथ का है 9:00, और ऑनलाइन टेस्ट आपका चलता है 10:00। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज यार वीडियो को जरूर शेयर किया करें, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और साथ ही साथ आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहां पे पर्सन आकृति आपको 3 दे रखे ऊपर और चौथी आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन आरपीएफ में पहले पूछा जा चुका है, तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। तो पहले का राइट आंसर क्या रहेगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो को रोक करके ट्राई करिएगा। यहाँ पे चल क्या रहा है, देखिए 90 डिग्री पे हम इसको घुमा रहे हैं, ये जैसे खड़ा हुआ है ये पूरा गोला, और इसी तरीके से हमने इसको 90 डिग्री पे लेटा दिया, फिर नेक्स्ट हमने इसको फिर 90 डिग्री पे घुमाया तो ये फिर खड़ा हो गया। तो यानी कि या तो हम आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो पहला था वो दूसरी फिगर रिपीट हो रहा है, जो दूसरा होगा तो वो आपका चौथे वाले पर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ ये वाली फिगर आएगी जो बिल्कुल सेम यहाँ पर दिखाई आपको दे रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहले आया था इसलिए मैंने करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करिए, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। यहां पे देखिए पर्सन आकृति आपको 3 दे रखी है, चौथी पर्सन आकृति आपसे पूछी गई है। यहाँ पे बस पहले एक पॉइंट को पकड़ लीजिए और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने ये छोटा सा जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको पकड़ा और ये देखा कि कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये था, यानी कि क्लॉक वाइज एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्लॉक वाइज, तो ये यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट में ये यहाँ पे होगा, नेक्स्ट में ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब आपको एक ऐसी आकृति देखनी है जिसमें ये त्रिभुज यहाँ पे नीचे दिखाई दे, नीचे पोर्शन में। तो जैसे पहले वाला गलत हो जाएगा, दूसरे में यहाँ है तो ठीक है, ये इसमें भी है तो ये ठीक है, ये अब इन दोनों में से आपका राइट आंसर हो सकता है। ये जो साइड वाले 2 थे ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। फिर आपको देखना है कि जो गोला आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला, ये कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि जैसे घड़ी आपकी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपका त्रिभुज तो इस डायरेक्शन को मूव कर रहा था, और ये आपका कर रहा है अपोजिट, ये इधर को मूव कर रहा है। तो यानी कि ये यहाँ से आया, यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट वाले में ये यहाँ पे आएगा। तो आपको एक ऐसा देखना है कि त्रिभुज उसमें यहाँ हो और गोला यहाँ पे हो। तो देख लीजिए इनमें कौन से में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, बी भी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए क्वेश्चन को करेंगे। और कई बार क्या होता है, चीज़ें एक ही पॉइंट में आंसर आपका आ जाता है, और ऑप्शंस जो होते हैं आपके जो नहीं हो सकते उनको तो एकदम हटा दीजिए, और उन पर अपनी नज़र भी मत ले जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ उस पॉइंट पर फोकस करना है जो आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, चलिए अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, और 3 का राइट आंसर क्या रहेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आप भी ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि जितने मैक्सिमम बच्चे आंसर करते हैं और वो सही होते हैं, जब मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ सक्सेसफुल हो रहा है। तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट में आंसर देने की कोशिश क्या करें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सीरीज को पहले जान लेते हैं, ये पर्सन आकृति है, उत्तर आकृति है, नेक्स्ट आपको बताना है कि 4 आकृतियों के बाद में 5वीं आकृति कौन सी आएगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे देखिए एक ये आपका रेक्टेंगल है, एक आपका ये सर्कल है, और एक ये आपका ये डंडा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली आकृति में क्या चेंज हुआ है, यहाँ इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करके देखेंगे तो जो राइट साइड में आपका ये सर्कल था, ये गोला था छोटा सा, ये आपका लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है, ये बाएं साइड में आ गया, यानी कि दाएं से जो चीज़ रखी हुई है वो एकदम बिल्कुल बाएं में जा रही है, और ये एक स्टेप पीछे इस साइड में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब जब ये पीछे आएगा, यानी कि ये पीछे आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बीच में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसमें क्या होगा, देखिए अब की बार ये रेक्टेंगल जो है, ये छोटा जो बॉक्स है, ये अब की बार रखा है यहाँ पर राइट साइड में, तो ये उठ के अब की बार चला जाएगा बिल्कुल लेफ्ट साइड में, ठीक है ना,
ये रखा है आपकी बार दाई साइड, सॉरी हाँ दाई साइड में, और ये चला जाएगा बाई साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये यहाँ पे, और ये एक स्टेप फिर पीछे आ गया, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो भी चीज़ होती है यहाँ इस वाले पे वो एकदम बिल्कुल एंड में चली जाती है, समझ गए। इस तरीके की कुछ सीरीज चल रही है, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब की बार क्या होगा, ये फिर दोबारा से वापस एक स्टेप अपनी स्थान पर जाना स्टार्ट किया, तो ये इस साइड में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा ना, ये जो यहाँ पे होगा वो लेफ्ट साइड में जो है वो एकदम राइट में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये अब की बार ये यहाँ पे आ गया, और ये एक स्टेप इधर जाएगा, समझ रहे हैं ना जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा लॉजिकली है, इतना भी नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब की बार मुझे ये बताइए कि एक स्टेप इधर जाएगा, तो एक ऐसी आकृति देखिए जिसमें ये यहाँ पे होगा, मतलब ये इस साइड में होगा, ठीक है, और जो यहाँ पे होगा वो बिल्कुल एकदम यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये रेक्टेंगल रखा है, तो ये गोला आपका यहाँ पे आना चाहिए और ये बीच में होगा। इस तरीके की एक आकृति देखिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ये तो ठीक है, बट गोला यहाँ पे नहीं है आपका, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। फिर ये बीच में ये तो हो ही नहीं सकता, अब इसमें तो दोनों ही रेक्टेंगल हो गए, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचा डी आपका, तो डी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ये यहाँ पे है, और जो ये आपका गोला है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये रेक्टेंगल बीच में है। अब बताइए, मुझे आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड गियर के आप डाल दीजिएगा, मैं फिर दोबारा से रिवीजन में इसको कवर करा दूंगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, देखिए जो चीज़ यहाँ पे राइट साइड में है ना, जो आपके राइट साइड में है, अब इस पूरे के पूरे बॉक्स में ये राइट है ये लेफ्ट है, जो राइट साइड में वो तो एकदम लेफ्ट में चली जाती है, और जो लेफ्ट साइड में वो एकदम राइट में चली जाती है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ये आया तो ये यहाँ पे चला गया, अब की बार लेफ्ट साइड में ये आया तो ये यहाँ पे चला जाएगा ना, बिल्कुल जो नेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसमें यहाँ पे आएगा गोला, फिर आएगा ये त्रिभुज और ये रेक्टेंगल, और ये आएगा आपका, सॉरी ठीक है रेक्टेंगल है भाई, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या रहेगा वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। प्रश्न आकृति आपके सामने है और यहाँ पे उत्तर आकृति है, चार ऑप्शन है देख लीजिए, यहाँ पे बताना है पांचवी आकृति क्या होगी, चार आकृति आपके सामने है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चार ये क्रॉस के साइन है और यहाँ पे दो बच गए, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अब की बार पाँच होंगे, दो दो चार एक पाँच, फिर यहाँ पे तीन हो गए, यानी कि दो कम करके लिख देते हैं, इसमें दो कम किए फिर इसमें भी दो कम किए, फिर अब की बार कौन सा आएगा, तो रिलेशन तो कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, इसका रिलेशन इसके साथ में है, ठीक है, इसका रिलेशन नेक्स्ट वाले के साथ में आएगा, मतलब ये तो हम जो लिख रहे हैं दो कम के करके लिखते हैं, दो कम करके लिखते हैं, बट अब की बार जो यहाँ पे आएगा इसमें चार थे इसमें पाँच हो गए, तो अगली बार किस कितने आएंगे, छः वाला आएगा, तो छः वाला देख लीजिए कौन सा है, दो दो चार दो छः, तो और सीरीज भी क्या होनी चाहिए, ये वाली सीरीज होनी चाहिए, यानी कि इसमें भी छः इसमें भी छः, पर ऑप्शन बी राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाँच वाला है ये पाँच वाले कंडीशन में बीच में आएगा, ठीक है, बट जो आपके ये वाली सीरीज रहेगी जैसे दो हो गया चार हो गया छः हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं ओड इवन नंबर, तो यहाँ पे अगर इवन नंबर रहेंगे तो आपकी ये वाली लाइन में सीरीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, इसका भी राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, फाइव का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ, यहाँ पे प्रश्न आकृति आपको दे रखी है चार और पाँचवीं आपको बतानी है क्या आएगी, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे पहले जो राइट साइड में ये पूरा बॉक्स है आपका डबल साइड वाला जिसमें लगे हुए हैं दो साइड हैं, ये इसकी जो राइट साइड की ये वाली फिगर है ये आपस में अपने जगह को चेंज कर रही है, अपने प्लेस को चेंज कर रही है, जैसे त्रिभुज है ये नीचे आ रहा है और ये गोला ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट वाली फिगर में, फिर दूसरे वाली फिगर से फिर तीसरे वाली में कैसे जा रहा है, जो ये आपकी दो फिगर है यानी कि क्रॉस वाला साइन नीचे और ये आपका जो रेक्टेंगल है ये ऊपर, तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार तो आपका ये वाली साइड चेंज करती है ये वाली, फिर नेक्स्ट में ये वाली, फिर नेक्स्ट में फिर ये वाली चेंज करेगी, तो ये वाली चेंज करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा आपका इन दोनों का चेंज होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी एक बार तो ये वाला चेंज हो गया, फिर ये वाली चेंज करेगी तो इससे चेंज होकर ये हो जाएगा ना, ठीक है, अब की बार ये चेंज करेगी तो इससे चेंज होकर ये हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल ऊपर ये, फिर नेक्स्ट वाली में ये वाली चेंज करेगी तो ये वाली चेंज होकर क्या होगा, ये रेक्टेंगल नीचे और क्रॉस वाला ऊपर आ जाएगा, तो देख लीजिए कौन सा है, क्रॉस वाला ऊपर किस में है, तो क्रॉस वाला ऊपर इसमें है और इसमें है,
सॉरी इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो आप देख लीजिए इनमें से दोनों में राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ये इसमें त्रिभुज का साइन नीचे को कर दिया गया है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो साइन है ये आपका सभी में ऊपर को है, तो यहाँ पर ये वाला राइट रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आकृति वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कोई ऐसी ट्रिक तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, बट करने का तरीका मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऑप्शंस जो राइट हो सकते हैं, ठीक है ना, जो हो सकते भी हैं और जो राइट होगा वो तो निकल के आ ही जाएगा, सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए। जैसे ये मैंने बिल्कुल हटा दिया सबसे पहले, क्योंकि मैंने क्या देखा कि जिसमें क्रॉस का साइन ऊपर है बस वही देखना है कोने में, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो इन दोनों को तो मैं देखूंगा ही नहीं ना, बस इन दोनों में देखूंगा फिर कौन सा राइट होगा। ये करने का तरीका होता है, अब वो आप ही करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, कुछ आप बुक से करिए, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे रहेगा आपका कुछ इस तरीके से, देखिए ये जो फिगर है आपकी कितना 180 डिग्री पे घूम रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या घुमाना है, इसको भी 180 डिग्री पे घुमाएंगे, तो आपका ये पूरा 360 डिग्री होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, तो इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर देखिए, मतलब ये जो एरो का साइन है ये आपका सीधा है तो सीधा ही रहेगा, पहली तो बात ये ऐसे मुड़ नहीं सकता है, और दूसरी बात ये क्या होगा, ये यहाँ पे आपका सिर्फ अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊँ तो ये 90 डिग्री पे घुमा है, तो इसको 180 डिग्री घुमाना है हमें क्लॉक वाइज, तो इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 7 में हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से सीरीज चल रही है, यहाँ पे 4th नंबर पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्राई करके देख लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन सा राइट रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले वाले से दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, मतलब कि सीरीज की बात करूँ कि कैसे ये मूव हुआ है, तो ये पूरा 90 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो आप देखिए ये दोनों की दोनों फिगर इस डायरेक्शन में आ जाएगी और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि 90 डिग्री पे घूम रहा है। नेक्स्ट हमने फिर इसको, इस वाली को हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे, क्योंकि ये इसका रिलेशन इसके साथ में, तो इसका रिलेशन नेक्स्ट वाले के साथ में होगा, तो इसको हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फिगर आपकी इस तरीके से ऊपर को हो जाएगी, ठीक है, और ये नीचे को हो जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख लीजिए किसके जो ये हैं, ये ऊपर को है, तो ऊपर को तो सिर्फ ऑप्शन ए दिखा रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको ट्राई करके देखिए यहाँ पे आप राइट आंसर क्या लगाते हैं। यहाँ पे बताना है 4th नंबर की आकृति जो खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, पर्सन आकृति ऊपर है, उत्तर आकृति नीचे है, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा। यहाँ पे आपका एक सिंपल खाली सर्कल है, नेक्स्ट वाले में एक लाइन आई, फिर आपका 3rd वाले में ये लाइन इसके सर्कल के अंदर चली जाती है, ठीक है ना, तो फिर 4th वाले में क्या आएगा। तो देखिए अगर सर्कल के अंदर लाइन चली गई तो फिर वो दोबारा से लाइन आएगी, तो लाइन किस डायरेक्शन में आएगी, ये यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप ये वाला आएगा, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, अगर ये यहाँ पे थी तो नेक्स्ट वाली यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे सर्कल के अंदर चली जाएगी, यानी कि इसके बाद में कौन सी आकृति आएगी यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वाली लाइन ये वाली आएगी, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आकृति चल रही है। तो जैसे पहले यहाँ आया, फिर ये अंदर चली गई दूसरे वाले में, फिर इस आकृति वाले में ये यहाँ आएगा, फिर ये अंदर यहाँ से चली जाएगी, फिर तीसरे वाले में इससे नेक्स्ट वाले में किसका आएगा, ये यहाँ पे आएगा और फिर वो यहाँ से चली जाएगी, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर ये हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्सन आकृति यहाँ पर दे रखी है, नेक्स्ट क्या आएगा, 5वीं आकृति 4 आकृतियों के बाद, उत्तर आकृतियों में ऑप्शन आपके ये हैं, तो देखिए ट्राई करके एक बार। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें 45 डिग्री पे पूरी की पूरी आकृति घूमती है, ये जो आपका बना है ये पूरा का पूरा घूमता है 45 डिग्री पे हर एक नेक्स्ट आकृति में, तो इससे इसमें ये गया तो यहाँ था, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट में जाएगा तो ये यहाँ पर आ गया, फिर इससे नेक्स्ट में ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ गया, इससे नेक्स्ट में कहाँ पे आएगा, 45 डिग्री पे यहाँ पे आएगा, तो आप एक ऐसी आकृति देखिए जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये तो इसी डायरेक्शन की बात होगी जो ये है, और ये आपका दूर चला गया क्योंकि ये 45 डिग्री पे घूमा है, ये सीधा नहीं हो सकता,
तो 45 डिग्री पे घूमने के बाद में ये आकृति पे यहाँ आएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके की आकृति जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, तो उनको आप ऑप्शन के हिसाब से करिए कि कौन सा ऑप्शन हो नहीं सकता और कौन सा हो सकता है। तो सकने वाली कंडीशन जो होगी आपकी कि ये हो सकती है, उस पे जाएंगे तो आप 100% सही आंसर पे भी पहुंच जाएंगे और पहुंच जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट अगर आप डायरेक्ट ही सोचेंगे कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है, तो आप राइट आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। बहुत कम चांसेस होंगे, या तो क्वेश्चन ही बहुत आसान होगा तो आप लगा लेंगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमावदार हुआ तो आप राइट आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। यही इन क्वेश्चन की खासियत होती है कि दिखने में जितने आसान लगते हैं उतने आसान होते नहीं हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, और आपके कितने सही आंसर हुए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार ट्राई करके देखिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 × 15, ठीक है, और +4 कितने हो जाएंगे, 19। तो 15 + 4 = 19, तो यहाँ पे 19 आ गया। 7 × 35 + 4 = 39, ठीक है, 39। 9 × 5 = 45 और 4 = 49, तो 49 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 49 इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो कि आप घर से करके लेके आएंगे, और उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां है, ये आप घर से लेके आए करेंगे, मतलब घर अभी करके बताएंगे मुझे, और इसका आंसर जितने बच्चे भी देंगे तो मैं मान लूँगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन एकदम बिल्कुल अच्छी है। जितने बच्चे भी इसका राइट आंसर दे पाएँ, जितने भी मेरे फ्रेंड दोस्त जो वीडियो को देखते हैं, मैं मान लूँगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं इस वो क्वालिटी आप में है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आप इसको कर लेते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, और अगर हो सके तो रीजन देने की भी कोशिश करिएगा कि किस तरीके से आपने किया है, ताकि दूसरे बच्चे जो नहीं कर पाएंगे वो देख आपकी एक्सप्लेनेशन भी देख सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, और शेयर तो यार आप जरूर कर दिया करें, क्योंकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।